झारखंड राज्य में मॉनसून के दस्तक के साथ किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के साथ मॉनसून के आगमन ने झारखंड के किसानों की समस्या बढ़ा दी है, क्योंकि मॉनसून के समय बारिश जो है वो रुक रुक कर आ रही है और किसानों को इससे कई दिक्कतें दरपेश आ रही है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुलजीपुर और इस वक्त रांची के चंद किलोमीटर दूर मांडर विधानसभा क्षेत्र में खेतों में आया हूँ, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कुछ किसान जो है महिलाएं हैं, ये खेतों में रोपनी का काम कर रहे हैं, पटवन का काम कर करके यहाँ पे ये खेतों में रोपनी कर रहे हैं। दरअसल इसलिए कि बारिश जो है मानसून में रुक रुक कर आ रही है, इससे खेतों में जो होने वाली उपज है या रोपनी है वो प्रभावित होती है। खासकर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ बड़े वाहन भी या ट्रैक्टर से रोपनी का काम नहीं किया जा सकता, इसलिए दिन भर ये पूरा मेहनत मशक्कत करके यहाँ पे रोपनी का काम कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे बारिश की जो कमी हो रही है, बारिश की कमी के साथ आप लोग यहाँ रोपनी का काम कर रहे हैं, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, किसानों को बहुत दिक्कत होगा, खेती नहीं होगा तो खाएगा कैसे। हर बार जैसा मानसून होता था, बारिश होता था, इस बार कितना असर होगा, फसल कैसी होगी, कैसा उपज होगा, क्या लगता है? अभी तो नहीं बता सकते हैं, मौसम देखिए, पानी आता है कभी नहीं आता है, आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ आप लोग के लिए क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे ट्रैक्टर भी नहीं घुस सकता है, ऐसे में बड़े वाहनों से या फिर बड़े उपकरणों से खेती नहीं होती है, इससे कितना दिक्कत होता है, खुद से करना पड़ता है? ट्रैक्टर पानी ऊपर वाला रोपा देता तो ट्रैक्टर नहीं रुकता है, हम लोग किससे रोपेंगे, तो पटा के रोकना पड़ेगा, पटाने भी सावधान नहीं है तो कैसे पटाएंगे, पटाएंगे पानी आएगा तो होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। और अगर पानी पूरी तरह से नहीं मिला तो क्या होगा? सभी मैंने अगर पानी होगा तो नहीं पटाएगा, नहीं तो पानी सावधान होगा, नहीं पटाएंगे। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, राजधानी रांची से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर मांडर विधानसभा क्षेत्र का खेत है, जहां किसान जो है दिन भर से सुबह सवेरे से ही अपने खेतों में अपने परिवारजनों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवतियां हैं, सभी लोग यहां पर खेती के लिए यानी कि जो रोपनी है उसके लिए आए हुए हैं। ये नज़ारा आप देख सक रहे हैं, रोपनी कर रही है, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, क्योंकि मौसम इस बार इन किसानों के साथ में नहीं है। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इनसे जानेंगे। क्या लगता है कि सूखे खेत में रोपनी का काम कर रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, यदि पानी नहीं आएगा तो, जैसे कि अभी इसमें एक भी पानी नहीं है, नहीं आने से कोई मर ही जाएगा ना। हाँ, और थोड़ा बहुत हो मतलब आ जाएगा तो हो जाएगा, और किधर मतलब वैसा तालाब कुआं तो नहीं है जो कि पटा के रोक सके, इसलिए जैसे तैसे इसी जोत के रोक ले। बिल्कुल, तो कोरोना काल के इस खेल में और लॉकडाउन के साथ किसानों की समस्या अब बढ़ गई है, और खेतों में ये किसान अपने दिल में चिंता लिए इस आस के साथ रोपनी कर रहे हैं कि मॉनसून इस बार इनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब रुक रुक कर बारिश इस बार इन खेतों के लिए, खासकर इन किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली लाती है, ये आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ फॉर नेशन, मोइजुद्दीन, रांची।